हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी मन यू आई एस होप योर फाइन एंड वग वेल एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी के जितने भी एक्पायरेंट्स थे जिन्होंने 2024 अटेम्प्ट आट, करना है या अपेयर करना था उनके तो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गई है और आपके एडमिट कार्ड, कार्ड कमीशन ने इशू कर दिए हैं ठीक है तो जो ई एडमिट कार्ड है वो आप यू के साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वेन्यू चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों का एग्जामिशन सेंटर पड़ा है और क्या हुआ है ठीक है और, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट फील नर्वस स्टे कॉन्फिडेंट बिकॉज कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टे काम अपने जो आपका माइंड uh, का स्टेटस है दैट हैज टू बी रिमेन वेरी काम एंड यू हैव टू स्टे काम ठीक है घबराने की बात नहीं है नॉट टू फील एनी नर्वसनेस नॉट टू फील प्रेसराइज बिकॉज दिस इज अ टाइम टू लूज आउट योर स्ट्रेस ठीक है जितना धीरे धीरे स्ट्रेस को कम करना है ठीक है और जो बुक्स के बर्डन है आपके ऊपर वो भी धीरे धीरे लूज आउट करना है तो एडमिट कार्ड आ गया डो नॉट पैनिक ठीक है स्टे काम स्टे फोकस्ड एंड बिलीव इन योर यू हैव एन यू यू कैन डू इट ठीक है वीडियो बनाने का मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि वे क्वाइट ऑफन वी मेक मिस्टेक रिगार्डिंग दी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड हम वो पढ़ते नहीं हैं ठीक है थेके? जैसे कि आप साइट्स पर जाएंगे क्लिक करेंगे ये ई एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन है ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है एडमिट कार्ड की दैट हैज़ टू बी रेड केयरफुली और उसे फॉलो करना पड़ेगा आपको ठीक है क्योंकि आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन एड हुई हैं वो फॉलो करना ज़रूरी है जैसे ब्लैक बॉल पॉइंट ब्लैक पेन ही आपको चलेगा बॉल पेन जेल पेन नहीं ब्लू पेन नहीं अगर आप ऐसा करते हैं यू आर पुशिंग पुटिंग ए सेल्फ ठीक है वो एम आर सीट में वो स्कैन होगा नहीं होगा ये कमीशन की फिर डिस्क्रिप्शन हो जाती है ठीक है फिर आपको क्या क्या ट्स आर एडवाइज टू वेयर मास्क फेस कवर एवरीथिंग आपको सैनिटाइजर चार वो लेके जा सकते हो ठीक है दी जाती इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं दैट हैज टू बी रेड केयरफुल ठीक है कि नेगेटिव मार्किंग क्या है नहीं कितने टाइम तक आपने पहुँच जाना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको देखिए यहाँ क्लियरली इट इज मैंशनड क्लियरली इज मैंशन ओवर ईयर कि प्लीज नोट दैट्री इंटू द एग्जामिशन वे शैल बी क्लोज टेन मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कम्स नौ बीस तक साढ़े नौ बजे से पेपर है पहला पेपर जी एस का जो होता है तो आप वहाँ पर पहुंच जाए इन फैक्ट नौ सवा नौ तक ही पहुँच जाए बहुत जगह ऐसा होता है कि पंद्रह मिनट पहले भी वो गेट्स बंद कर दी जाती हैं स्कूल्स के और वो अलग को एंट्री अलाव नहीं करते वो ठीक है तो देर आर सचन इंस्ट्रक्शन और वो स्कूल्स जो कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन देर आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम ऑल्सो बाई द कमीशन टू भी फॉलो टू टू फॉलो उनको भी करना पड़ता है उनको भी मतलब दैट हैज दैट इज़ कंपल्सन फॉर दैम वरना दे थ्रो दैम सेल्फ इन अ ग्रेट प्रॉब्लम ह्यूज प्रॉब्लम कुछ भी अगर होता है तो ठीक है तो ये इंस्ट्रक्शंस को मैं बोलूंगा आपको बार बार कि रीड दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली डो नॉट बी लथार्जिक डो नॉट बी नेग्लिजेंट इन रीडिंग दिस इंस्ट्रक्शन क्योंकि कभी कभार आप अवॉइड करते हैं नेग्लिजेंट होते हैं और कुछ बड़ी गलतियां कर जाते हैं ठीक है रीड दो वेरी केयरफुली एंड घबराना नहीं है स्टे फोकस स्टे काम ठीक है बिलीव इन योर एंड यू कैन डू इट ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू